गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी स्टडी अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कहीं कहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके करेंगे। ठीक है, उनका फॉर्मूले का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और उनका यूज करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 − x². क्लियर। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है −1/√1 − x². थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x². एंड फोर्थ वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, अगेन यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, 1 + x². फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स, 1/√1 − x² एंड सिक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स, इसका होता है −x² − 1। x² − 1। क्लियर, तो एक प्लस में एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस, एक प्लस में और एक माइनस साइन में होता है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे हम, उनके बारे में देखते हैं। डेरिवेटिव में जो यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास sin 2x है, तो इसका यूज करते हैं हम 2 sin x × cos x यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है tan की फॉर्म में, 2 tan x / 1 tan²x, ये sin 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में। क्लियर, समझ में आ रहा है। सेकेंड है हमारा cos 2x, क्या होता है cos 2x के? तीन फॉर्मूले पढ़े हमने, 1 − 2 sin²x, 2 cos²x − 1, इसके बाद cos²x − sin²x, और लास्ट है tan की फॉर्म में, 1 − tan²x / 1 tan²x। तो ये हैं cos 2x के फॉर्मूले, बहुत यूज होते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है cos 2x के। ठीक है, ये चारों, ठीक है, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सिंपल करने के लिए। क्लियर, cos 2x हो गया, sin 2x हो गया, अब आते हैं tan 2x में। tan 2x होता है 2 tan x / 1 − tan²x, sin 2x में यहाँ प्लस होता है और tan 2x में यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, थर्ड एंगल का ले लो, ठीक है, थ्री एंगल का ले ले, tan²x भी होता है, एक होता है फॉर्मूला tan²x, cos की फॉर्म में होता है, 1 − cos 2x / 1 + cos 2x। वैसे इसको जब सॉल्व करोगे तुम ये फॉर्मूले लगा के, ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज करोगे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो tan²x आ जाएगा। क्लियर, फिफ्थ वन, अब आते हैं sin 3x में। sin 3x क्या होता है फॉर्मूला? 3 sin x − 4 sin³x, और cos 3x इसका उल्टा होता है,
ये आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, मतलब साइन की जगह cos, cos की जगह साइन, और इसको रिवर्स कर दो, ये इधर और ये उधर, 10 3x। ठीक है, 10 3x का क्या होता है, 3 10 x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 2 10 स्क्वायर x, ये होता है 10 3x का फॉर्मूला। ठीक, एक फॉर्मूला और है, हमने 11th में भी पढ़ा है, फॉर्मूला है बट फॉर्मूला नहीं है बट कन्वर्ट करते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस माइनस x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 x अपॉन 1 माइनस 10 x। ठीक है, यहाँ जब प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस। ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब जब इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, 1 मतलब 10 पाई बाई 4, तो 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो उसको भी 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये हो गया 8th फॉर्मूला। एक है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, 9th फॉर्मूला है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर, 10th साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 11th होता, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, और माइनस प्लस क्या आएगा, कॉस इनवर्स, ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, अब और फॉर्मूला है एक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू, और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई टू ही होता है। ठीक है, याद रखना कि x इसमें सेम होना चाहिए, जब दोनों x सेम होंगे तभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलके पाई बाई टू बनाएंगे प्लस करके, और ये भी टेन कॉट और सेक कॉसेक, तो ये फॉर्मूले हमको यूज होंगे, इनको यूज करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, तो करना क्या है हमको, इनको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये कौन से फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर, तो डायरेक्ट तो हमें साइन इनवर्स दिस इसका फॉर्मूला पता नहीं है। क्लियर, या तो हम क्या करें कि साइन इनवर्स इसको पूरे को मान लें हम एक्स, ये टी, तो साइन इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें, फिर उसको सॉल्व करें इनटू इसका डिफरेंशिएशन करें, मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म लगाएं, डिवीजन रूल लगाएं। ठीक है, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे।
सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े उनका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अगर मतलब यहाँ कुछ साइन का कुछ बन जाए, ठीक है, साइन का कोई फंक्शन बन जाए अंदर, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हमको पता क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। ये लिख लो, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये कट जाता है, ठीक है। या अंदर हो या बाहर हो, अगर यहाँ साइन है, ठीक है, और अंदर है साइन इनवर्स थीटा, तो भी थीटा ही आएगा, क्लियर। साइन इनवर्स साइन थीटा भी थीटा होता है और साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा भी थीटा ही होता है, क्लियर। तो अंदर हम कुछ ऐसा बनाएं साइन की फॉर्म में कि वो कैंसल हो जाए, क्लियर। तो देख रहा है तुमको किसका फॉर्मूला है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करें, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करें जिससे ये कोई किसी का फॉर्मूला बन जाए, तो क्या दिख रहा है, टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू टेन थीटा हमने रखा तो वाई कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसका फॉर्मूला था, हमने इसको यूज किया और साइन टू थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा कितना है, टू थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पर ये दिया किस फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, तो थीटा को किस फॉर्म में लिखो, एक्स की फॉर्म में। कहाँ से लिखोगे, जहाँ पे हमने इसको पुट किया था, यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, क्या आ गया थीटा, यहाँ से थीटा कितना आएगा, टेन यहाँ था इधर चला गया तो टेन इनवर्स हो गया, तो वाई इज इक्वल टू हो गया टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हो जाएगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो कितना आ गया, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहली चीज तो देखो कि हम कौन सा फॉर्मूला उसको बना सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हम बना सकते हैं उसके लिए क्या पुट करना होगा हमको एक्स की जगह, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जैसे 13 क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब कॉस में भी 10 का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, बट वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से तो साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, ये तो सेम ही दिखा हुआ है तो साइन ही बनेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम साइन को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्लियर। अगर साइन को कॉस में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो लेट करते हैं, यहां पे भी क्या करेंगे हम, पुट सॉल्यूशन था यहां पे, क्या पुट किया हमने, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां से वाई क्या बन गया हमारा, कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वाई इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, ओके। अब ये साइन टू थीटा आ गया, और साइन को कॉस में बदलोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या है पाई बाई टू माइनस टू थीटा, यह है वाई, मीन्स पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ से क्या आएगा निकल के टेन इनवर्स एक्स, ये बन गया टू टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, पिछले का प्लस में था और इसका माइनस था। ओके, आसान से क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारी बुक में नहीं है पर अलग से कराएंगे एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक इनवर्स, अंदर क्या बनाना है, अंदर हमें कॉस में सेक में बनना चाहिए, सेक नहीं बने तो कॉस बन जाए, ठीक है, सॉरी कॉसिक, कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, अगर ऊपर हो तो, नीचे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक्स क्या रखें कि कुछ हम बना सकें, तो टू कौन सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला बन रहा है, टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या होता है कॉस टू थीटा, और अगर यहाँ वन होता और यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर होता तो क्या यूज करते, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आया समझ में कि हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो y क्या बन जाएगा sec इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये किसका फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये sec टू थीटा, यहां से कितना आ गया y आ गया टू थीटा, अब थीटा कितना है, यहां से थीटा निकाल लो, कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, क्योंकि माइनस वन होता है उधर, क्लियर, समझ में आया। तो ये था कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये मिल गया, समझ में आया, ठीक है, ओके, नोट डाउन। देखते हैं दो क्वेश्चन और, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, तो इस ब्रैकेट को हमें खत्म करना है और जो बाहर आए ब्रैकेट से वो कॉस की फॉर्म में आए, ताकि बाहर कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन की फॉर्म में आता है तो भी उसको कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे यहाँ पे जब हम सॉल्व करें इसके अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये कॉट इनवर्स के अंदर, वो कॉट की फॉर्म में आए या तो टेन की फॉर्म में आए, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, करते कैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन, तो हमें रूट हटाने के लिए जब भी वन माइनस कॉस हो तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, जब भी वन प्लस कॉस या वन माइनस कॉस हो तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करके हम हटा सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें आप, जिसमें इधर क्या है वन प्लस है और माइनस कॉस एक्स, मतलब कि जिसमें माइनस हमारा वन किस में हो, प्लस में हो, ताकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाए और वन से वन कैंसिल हो जाए, तो प्लस में वन होता है जिसमें, वो कौन सा है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स होता है। तो क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आएगा हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे वन था तो हाफ में आ गया, टू होता है तो वन में आता है, और नीचे क्या आ गया, नीचे तो टू ही है, ठीक है, हो सकता था नीचे वन प्लस कॉस एक्स होता तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा देते, बट उस केस में बाहर टेन होना चाहिए था या कॉट होना चाहिए था। कॉस इनवर्स कितना है यहाँ पे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू, टू से टू कट गया, अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है,
तो कॉस इनवर्स बाहर निकल के क्या आएगा, रूट हट जाएगा और आ जाएगा साइन एक्स बाय टू। क्या है साइन एक्स बाय टू? अब इसको कॉस में बदल दो तो क्या लिखोगे, कॉस में चेंज करोगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। क्लियर? तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा मीन्स थीटा आ जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाय डी एक्स, तो ये तो जीरो हो गया और ये आ गया वन बाय टू, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ हाफ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब इसको देखते हैं, इसको करने के कई तरीके, ठीक है। एक तो जो हमने अभी बताया, वन माइनस कॉस एक्स को इस फॉर्म में बदलोगे तो साइन एक्स बाई टू बाहर निकल के आएगा, और वन प्लस कॉस एक्स को बदलोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वन प्लस और टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये कट जाएगा और यहां से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट टू कॉस एक्स बाई टू, अगर रूट में से बाहर निकालेंगे तो, ठीक है। यहां तो टू कट गया था, काटेंगे नहीं तो ये भी क्या था, रूट टू साइन एक्स बाई टू। एक तो ये तरीका है करने का कि हम इसको जैसा हमने अभी बताया इससे कर सकते हैं। मैं तीनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा तीनों, बस बता दे रहा हूँ सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। सॉल्व एक मेथड से कर दूंगा। तो पहला मेथड तो ये वाला जो बताया, वन प्लस कॉस एक्स से जो बाहर निकलेगा सॉल्व करके तो क्या आएगा, रूट टू कॉस एक्स बाई टू, और उधर आएगा रूट टू साइन एक्स बाई टू, और यहां भी आएगा रूट टू कॉस एक्स बाई टू माइनस रूट टू साइन एक्स बाई टू। क्लियर? रूट टू कट कर सकते हैं, ये बना कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स बाई टू अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉस डिवाइड में चला जाएगा। यहां से भी कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, ये भी वन माइनस टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अभी ये बताया था एक फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस इसको क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हो वन को, और प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन ये भी टेन, ये वन ही रहेगा, इधर वन मान लो इधर वन है तो क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू। अब ये फॉर्मूला बन गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी मीन्स टेन ए प्लस बी पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये बना। और इसके बाहर क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स। इसको कॉट में बदलोगे तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, इसको कॉट में बदलोगे तो कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। और बाहर कॉट इनवर्स ये आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आंसर, यहां से मिलेगा सीधे ये एंगल मिल जाएगा पाई बाय टू प्लस एक्स बाय टू, ठीक है। सॉरी ये पूरा आएगा, ये भी आएगा पाई बाय टू माइनस ये पाई बाय फोर है, सॉरी ये पाई बाय फोर आएगा और यहाँ पाई बाय टू आएगा, फिर माइनस होगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई पे माइनस एक्स बाई टू। तो ये तो कुछ, ये तो जीरो हो जाएगा आंसर। फिर से ही डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस वन बाई टू ही आएगा, तो आंसर तो माइनस हाफ ही आएगा। एक तरीका तो ये है करने का, और मेथड क्या है, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड है, मेथड टू है कि हम क्या करें, ये कॉमन ले लें अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, तो क्या बनेगा, ये कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा वन प्लस और अंडर रूट के अंदर दोनों आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, नीचे बचेगा वन माइनस अंडर रूट
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और बाहर जो कॉमन लेंगे वो कट जाएगा, तो क्या आएगा कॉट इनवर्स। अब क्या करो, ये फिर से फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, 1 कर दें, ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेन का। क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 10 ए प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो बस, नीचे प्लस। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दो वहां पे। कॉस 2x का फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरा अंडर रूट के अंदर ये कट गया, तो क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 10 एक्स बाई 2, ना ना ना, ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला है, 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स एक्स, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, ये थीटा हो गया ना, क्या दिक्कत है, मान लो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 10 एक्स बाई 2, ये हमने लिखा, पर ये 10 इनवर्स इसको हम वो बना सकते हैं, इसको अगर 10 इनवर्स लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये बन गया 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पे एक्स मतलब 1 इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स 1 हो गया, 10 इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, और यहाँ से क्या निकल के आया था, यहाँ से निकल के आया था कितना 10 x बाई 2, तो 10 से 10 कट गया तो आंसर आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आया हमारा वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ इसका आ गया। आया समझ में कैसे आया माइनस हाफ। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, थर्ड मेथड में हम कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मेथड थर्ड, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, ये मेथड आपको घर से करना है, ट्राई करना है कैसे होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस पर कुछ और दो चार क्वेश्चन हाई लेवल के देखेंगे अभी, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।